और आज हम जिस विषय का अध्ययन करेंगे वह है मध्यमान, और वो सांख्यिकी का हो या कि मैथ के पोर्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है। मध्यमान हम अक्सर जीवन में देखते हैं कि हम यूज़ करते रहते हैं। जैसे अगर कहें कि आपको रोटी बनानी है तो सब तो एक जैसा खाता नहीं, कोई चार रोटी खाएगा, कोई बच्चा दो रोटी खाएगा, कोई आठ रोटी खाएगा, तो आप एवरेज रूप से क्या करते हैं, रोटी बनाते हैं सबके हिसाब से, ठीक है, गिन के। या बहुत सारे आपके काम है कि कितना आपको बाज़ार जाना है, तो कहेंगे बहुत सारे सामान है, तो एग्जैक्टली आपको पता नहीं कि कौन चीज़ कितने की, तो आप एवरेज रूप से आप क्या करते हैं, औसतन आप पैसा उतना लेके जाते हैं कि उतने में आपकी चीज़ें एडजस्ट हो जाते, अर्थात ये दैनिक जीवन में हम मध्यमान का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। लेकिन जब सांख्यिकी की बात आती है तो मध्यमान जो होता है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीन। जो मीन होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, बहुत ही एक्यूरेट या बहुत ही विश्वसनीय माप होती है। कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें वो मापें होती हैं जो आंकड़ों का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है, जैसे मीन हुआ, मीडियन हुआ, मोड हुआ। अब यहाँ देखिए कि जब हम मीन निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, जैसे आपका डाटा दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, तो हमें क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है, ठीक है। अब मध्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं, जनरल इसका फॉर्मूला है सम ऑफ एफ अपॉन एन। यहाँ एन क्या है, जितने आपकी संख्या हैं, और ये आप समेशन देखते हैं, समेशन मतलब जितने आपकी संख्या उनका योग, ठीक है, टोटल संख्याओं का योग बटे जितनी संख्या है आपका, वही क्या होगा, आपका मध्यमान होगा। अब यहाँ देखिए ध्यान से, अब हमें इसका निकालना है मीन, तो क्या करेंगे, टोटल को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसे, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 बटे 5, तो क्या आया 3 × 3 = 9 = 15 / 5, क्या आया 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका मध्यमान क्या है आपका, 3। जब जनरली आपके डाटा ऐसे दिए रहे हैं तो आप तुरंत निकाल सकते हैं कि मध्यमान क्या होता है, लेकिन जब सांख्यिकी में पूछेगा तो इतना ईजी तो पूछने वाला नहीं, तो वहाँ पे क्या करता है, क्लास इंटरवल देता है। क्या देता है, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल जैसे दिया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। यहाँ से आप देखिए यहीं तक आप काउंट करिए, ये क्लास इंटरवल दिया हो। अब इसमें मीन आपको पूछ रहा है कि कितना होगा, तो यहाँ देखिए जब भी आप क्या करते हैं, मान लीजिए कोई संख्या यहाँ दी है, यहाँ दिया है 4 दिया है, यहाँ 5 दिया है, यहाँ 6 दिया है, यहाँ 8 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, ये आपका क्या हुआ, क्लास इंटरवल हो गया। ये क्या हो गया आपके, यहाँ पे डाटा दिए हुए उसमें कितने एलिमेंट आपके हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इसका मीन निकालते हैं, पहले इसका क्या निकालते हैं, औसत। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो यक्स होगा, ठीक है, ये हो गया एफ आपकी फ्रिक्वेंसी, जितनी बार जो चीज़ें आई होंगी जहाँ। अब देखिए यहाँ पे जब हम एक्स निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 40 और 50 90, फिर इसका औसत निकालेंगे क्या, 2, तो ये क्या हो गया 45, ठीक है। तो यहाँ क्या है आपका 45, ऐसे ऐसे आप सारे में निकालेंगे, ठीक है। तो आपको पहला सूत्र याद है ना, सबको जोड़ना है और बटे जितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइड करना है। तो अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, टोटल को यहाँ एफ है, इतनी बार आया ये, और इसका क्या है एक्स, मीन क्या है यहाँ पे इस इंटरवल का 45, तो यहाँ आप क्या करेंगे एफ एक्स, ठीक है, क्या करेंगे एफ एक्स करेंगे, तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16, 18, ठीक है। तो आप इसको भी क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ एफ एक्स, फिर यहाँ एफ एक्स, फिर यहाँ एफ एक्स, ठीक है। आप टोटल को क्या करेंगे, सम कर देंगे। अब देखिए अभी आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या करेंगे, सम कर देंगे। और अगर आपको जो फॉर्मूला याद है कि सिग्मा एफ एक्स बाई एन, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बाई एन, सिग्मा मतलब जितने एफ एक्स है आप उनको जोड़ना है और जितने एन है, तो एन तो आप यहाँ से निकालने लगेंगे 1, 2, 3, 4, नहीं, यहाँ आवृत्तियाँ देखिए कितनी बार कौन सी चीज़ आई है, तो आप इसका सम निकालेंगे, ठीक है। इसका जो सम आएगा वही आप क्या करेंगे, टोटल का, यहाँ एफ एक्स का सम बटे
टोटल जितनी संख्या अर्थात आवृत्तियों का सम, जब आप उनको डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। ये कैलकुलेशन करके आपको कमेंट में करना होगा, मतलब आंसर मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और आपका फॉर्मूला होता है, अगर हमें क्या करना है, जल्दी से निकालना है इस मीन को। अगर आपको जल्दी से मीन निकालना है तो उसका एक सूत्र होता है। सूत्र ये होता है, आपका जो मीन होता है इज इक्वल टू अज्यूम मीन प्लस आपका यहाँ पे देखिए सी आई सब में होगा एफ एक्स बटे एन, यहाँ पे क्या होगा आपका एफ एक्स बटे एन, क्या सॉरी ये एक्स नहीं, यहाँ पे हम क्या लेते हैं एफ डी। अब देखिए जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आवृत्ति किस में आ रही है, आपकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किस में आ रही है, ये 8 में, तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि ये इंटरवल हमारा एज्यूम मीन का है। एज्यूम मीन का इंटरवल, एज्यूम मीन मतलब हमने मान लिया कि ये मीन है, तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी जिस, सबसे ज़्यादा आवृत्ति जिस इंटरवल में आएगी उसे ही एज्यूम मीन माना जाता है, ठीक है। अच्छा इसमें आपको दिक्कत, मान लीजिए यहाँ 8 आया और यहाँ 4 आया, ठीक है। अब हमें एज्यूम मीन निकालना है, तो हम मानेंगे कि ये इंटरवल में सबसे ज़्यादा आवृत्ति है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये मीन हो सकता है, क्या हो सकता है, मीन हो सकता है, आपका मध्यमान हो सकता है, ठीक। अब इसके मीन होने के पीछे हम तो हम मानेंगे कि क्या है ये मीन, तो अब ये 30 से 40 है, तो इसको 30 से 40 तो यहाँ लिख नहीं सकते, तो क्या करते हैं यहाँ पे इसको जोड़ के 2 से भाग देंगे, 30 × 40/2, 70/2, 35। तो यहाँ हमारा अज्यूम मीन क्या हो गया 35, ठीक है। अब देखें अब यहाँ पे क्या करना है, अब इसको माना क्यों, इस जो अज्यूम मीन मानेंगे वहां हम लिखेंगे 0, हमने मान लिया, अब ये खत्म, मान लिया हमने तो ये खत्म, जो अज्यूम मीन माना वो क्या हो गया 0 हो गया, ठीक। अब 0 हो गया आपका, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो +1, +2, +3, +4 ये नंबर लाइन होगी, अब इसके नीचे जाएंगे तो -1, -2, -3 एक्सेट्रा। फिर क्या करते हैं हम, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 8 × 0 = 0, 6 × 1 - 6 और 4 × 2 - 8, फिर टोटल को क्या करेंगे, यहाँ देखिए समेशन है एफ डी पे, इसको जोड़ेंगे तो जो ये आएगा फिर 35 × FD / टोटल आपकी जितनी आवृत्ति है यहाँ लिखेंगे इंटू सी आई, सी आई देखिए कितने का आपका डिफरेंस है, तो यहाँ पर देखिए 10 आपका हो जाएगा, और जो आपका मान आएगा वो होगा आपका मध्यमान, कि जनरली हम जानते हैं, मैं इसको बस रिवाइज कर रही हूँ, इस पर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी क्वेश्चन से, लेकिन यहाँ हम बस एक जैसे अभी मैं आपको बता दूँ तुरंत फॉर्मूला बता दूँ तो आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन मैं आपको मॉडल बता रही हूँ कि आप कैसे किसी चीज़ का मीन निकाल सकते हैं। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि मध्यमान क्या है, उसके बाद इसको किससे डिनोट करते हैं, इसकी क्या आवश्यकताएं हैं, और इसका फॉर्मूला क्या, तो फॉर्मूला फिर से आप रिवाइज कर लीजिए, टोटल को जोड़ के बटे एन, अगर सिर्फ डाटा दिया हुआ है, दूसरा अगर क्लास इंटरवल दिया है मतलब 20 से 25 25 से ऐसे ऐसे से, तो आप क्या करेंगे सिग्मा एफ एक्स बाय एन, तो यहाँ एफ क्या है फ्रीक्वेंसी है, एक्स क्या है उस क्लास इंटरवल का मीन है, क्या है एफ क्या है फ्रीक्वेंसी है आवृत्ति, ये जितनी टोटल संख्या है, ठीक है, ये क्या है एक्स क्या है, जैसे यहाँ 40 से 50 दिया है तो यहाँ एक्स क्या होगा, इसका मीन होगा 4, 5, 9, 90, 45, तो यहाँ आपका क्या होता है ये इसका मीन हो जाता है, और ये टोटल जितनी फ्रिक्वेंसी आई होगी मतलब कोई चीज़ जितनी बार आई, जैसे एक बार आई तो वही चीज़ होगी, जैसे यहाँ पे लिखा आपने 2, 4, 5, 6 तो इसमें 2 एक बार आया, ये भी एक बार, लेकिन यही 2 एक बार फिर आया तो ये 2 की फ्रिक्वेंसी 2 हो जाएगी कि नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या करते हैं फ्रिक्वेंसी टोटल जोड़ते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं आप एफ एक्स, जो आपका एफ होता है मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एक्स क्या इसका मीन, तो टोटल को सम करेंगे और बटे एन, तो ये आपका जनरल है लेकिन बहुत लंबा जाता है क्योंकि बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है। फिर अगर इसी में आपको शॉर्ट में देखना हो तो आप क्या करते हैं अज्यूम मीन का फॉर्मूला लगाते हैं, प्लस सिग्मा एफ डी बाय
एन इन टू सी आई. यहाँ एज यू मीन जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, जैसे मान लीजिए 25 में सबसे ज़्यादा क्या थी 8, उसको ये 20 से 25 का हम क्या करेंगे एज यू मीन ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, वहाँ पे आपने ये लिखा. फिर डी क्या करेंगे, आपका क्लास इंटरवल था जो हाइएस्ट 8 वाला था, इसको 0 किया, उसके पीछे 1, 2, 3 -1, 2, 3 फिर उसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या किया, समेशन किया, तो वही सिग्मा एफ डी बाई एन. तो टोटल आपकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, एन इंटू सी आई, क्या आपका क्लास इंटरवल कितना उसमें इंटरवल है. तो ये आपका है मीन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है जब आप शोध करिए या मैथ्स लगाइए, मतलब मैथ्स में सांख्यिकी यूज़ करिए, तो आपको इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए. अभी मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बता रही थी, कहेंगे कि समझ में नहीं है, सॉल्व कराऊंगी मैं प्रश्नों को, लेकिन एक साथ, क्योंकि यहाँ पे हमें अभी सारी चीज़ों को समझना है पहले, उसके बाद ही उसका अध्ययन करना. तो हमें बस अभी क्या जानना है कि मीन क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे कैसे निकाल सकते हैं.